और आज का हमारा एहतजाज जो है रेलवे कॉलोनी में पानी के ऊपर है। रेलवे कॉलोनी कोयटा में जो है पानी बाबू मल्ला गार्ड कॉलोनी, फायरमैन कॉलोनी, ट्रैफिक कॉलोनी और जो है बैलाता और दूसरे हमारे जो कॉलोनीज हैं यहाँ पर बरगेंजा हमारा कॉलोनी है उसमें तो सालों साल से पानी नहीं है। बाबू मल्ले में पिछले जो है 2 महीने से पानी नहीं है और हम पानी के लिए हमेशा आते हैं। अपने अफसरा ने बाला DS तक हमने सब तक अपनी फरियाद सुनाई। आज हम मजबूर होकर यहाँ पर आके हमने गेरली में एहतजाज किए और हम सिर्फ अहदेदारान यहाँ पर हम कुछ साथी यहाँ पर बैठे हैं, आज हम एहतजाज कर रहे हैं। मैं उकामे बाला को इस चीज़ पर मैं खबरदार करना चाहता हूँ और उनको आगाह करना चाहता हूँ कि आज हमने पानी के मसले पर जो है एक आर्जी एहतजाज किया है और आप हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। और आप हम डी साहब के पास गए, डी साहब हमें ये कहते हैं ये हमारे अदारे के लिए बाय से शर्म की बात है कि हम इस मसले पर कुछ नहीं कर सकते हैं। एक हमने साबिक नाजम को यहाँ का जो है रेलवे कॉलोनी का एक साबिक नाजम है, हमने उसको मोटर दिया और उसने कहा कि मैं मोटर को ठीक करके लगाऊंगा। तो हम ये कहते हैं कि ये अदारे के लिए और उन अफसरों के लिए डूब मरने का मकाम है। हमारे तनख्वाहों से साथी ने कहा कि हमारे तनख्वाहों से सिर्फ 250 रुपये कटते हैं। मैं कह 250 नहीं कटते हैं, पानी के मद में हमसे 250 कटते हैं और 5% कटौती हमारे तमाम मुलाजमी से होता है। मैं मीडिया के भाइयों से गुजारिश करता हूं किसी दिन आप एक टीम बनाकर रेलवे कॉलोनी का विजिट करें, चमन पाटिक से लेकर आप जो है यहाँ से जेंट रोड सरिया पाटिक तक पूरे रेलवे कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी आपको एक ठप का नक्शा तक पेश करेगा। आप रेलवे कॉलोनी में गली कूचों में जाएं, रेलवे कॉलोनी में गंद कचरा यहाँ सब का टेंडर होता है और हमारे गलियों में गंद कचरा ये सारा पड़ा होता है। 3-3 महीने से पानी नहीं है। हमारा यहाँ पर जो गार्ड कॉलोनी है गर्ल्स स्कूल का जो इलाका है हमारा फायरमैन कॉलोनी में, अगर वहाँ अगर टैंकियों में पानी भी है 7 दिन के बाद हमें 15 मिनट पानी दिया जाता है। मैं इनसे उकाम बाला से ये कहता हूँ कि आपके घर में हम रोजाना 20 मिनट पानी छोड़ेंगे, हमारे हाथ में वाल दो हम वाल खोलेंगे। हमें आपको शर्त से कहते हैं 20 मिनट हमको रोजाना आपको पानी देंगे, आपकी चीखें निकल जाएंगी। हम उस 15 मिनट पानी पर और हम अपना लोगों को भी अपने मुलाजमीन को कहता हूं इतने बेस नहीं बनो कि हमें कहा जाए। ए मुल्क हमारा अदारा हमें सेहत की सहूलत देने में नाकाम, ये मुल्क हमें रोजगार देने में नाकाम, ये मुल्क हमें जो है पानी देने में नाकाम, ये मुल्क हमें महंगाई के दलदल में धकेल दिया। खुदा के लिए खुदा रहा इस आवाम से रेल के मुलाजिमों से मैं गुजारिश करता हूँ, आपके घर में हर घर में 3-3, 4-4 बच्चे बेरोजगार हैं, आपके घर में जो है बीमार पड़े हुए हैं, हमारे अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है, हम जाते 2 गोली हमें कागज़ में लपेट कर डॉक्टर देता है। तो खुदा रहा निकलो अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हमने कुर्बानी देना है, आने वाली नस्लों को खुशहाली हमने एक नस्ल ने कुर्बानी देना है तो नस्लें कुर्बान होंगे। आज बेसी ये देखे गार्ड कॉलोनी का पानी मोटर जला हुआ है, 10 दिन हो गया। हम डी साहब के पास गए, बोला DS इजाजत देगा तो पानी आ गया। DS साहब छुट्टी पर गए, 7 तारीख को आएंगे दूसरे DS को चार्ज देने के लिए, जब नया DS आएगा तुम लिहाजा जो है अगले 15 तारीख को DS साहब इजाजत देंगे तो डी साहब जाके फिर मोटर निकालेंगे हमें पानी देंगे। तो लिहाजा मैं इंतजामिया को खबरदार कर रहा हूँ आज हमारे एहतजाज है, हम अभी उठ के जाएंगे, हम उसमें जो है फिर आइंदा का लाइमल इख्तियार करेंगे। तो अगर हम आइंदा का लाइमल का DS ऑफिस का हम घेराव करेंगे तो आपको फिर इन कमरों में आज आने का भी हम इजाजत नहीं देंगे। जी हाँ, ये गुज़िश्ता 3 से 4 महीने हमारे जो रेलवे कॉलोनी में पानी बिल्कुल पानी की अदम फरामी, जिसके लिए हम आज इस अफसरान की गैलरी में हम धरने दिए हुए हैं। इससे पहले भी हम पंफलेट के जरिए अफसरों से मुलाकात के जरिए उनको बार बार हम ये कह चुके हैं कि भाई रेलवे कॉलोनी में पानी नहीं है, रेलवे कॉलोनी में पानी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है इंतजामिया टस से मस नहीं होता। हम आपकी मीडिया के तवसों से ये कहना चाहते हैं कि अगर एक ज़मींदार है उसका ट्यूबवेल लगता है तो वो साला साल से वो ट्यूबवेल ख़राब नहीं होता, लेकिन अब बदकस्मती से ये है कि हमारे एक ट्यूबवेल जो है महीने में 4-4 बार जो है इसको निकाला जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है, कभी मोटर जल रहा है, कभी जो है बोरिंग बैठ रहा है, कभी समरसेबल बैठ रहा है। वो इस वजह से क्योंकि तमाम जितने भी अफसरान हैं वो लोकल परचेज़ के ज़रिए रेल को खोखला कर रहे हैं, लोकल परचेज़ के ज़रिए सामान मंगवा रहे हैं, लोकल परचेज़ के ज़रिए मुलाजमीन का खाना ख़राब कर रहे हैं। आज रेलवे मनतकश यूनियन और उसके दूसरे साथी जो यहाँ बैठे हुए सिर्फ अहदेदारान बैठे हैं, अगला रायमल
हम तय करेंगे फिर इस गैलरी में इंशाल्लाह दमादम मस्कलंदर होगा। जब तक रेलवे कॉलोनी का पानी बहाल नहीं होगा हम गैलरी से नहीं उठेंगे।